अस्सलाम वालेकुम हाय दिस इज असलम एंड इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेज टेस्ट को सो so, नो कि ये एक मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी सीरीज है जिसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के बायोकेमिकल टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो जो कि डिफरेंट किस्म की डिजीज़ को डायग्नोस करने में उनको तश्ीस करने में हमें हेल्प आउट करते हैं लेबॉटरीज एंड हॉस्पिटल एज वेल सो आइए बात करते हैं ऑक्सीडेज टेस्ट के बारे में सो वट डू यू मीन बाई ऑक्सीडेज टेस्ट यह क्या होता है और पर्टिकुलरली इसका वो क्या वर्किंग प्रिंसिपल है जिस चीज़ को फोकस कर करके हम लोग ऑक्सीडेज टेस्ट परफॉर्म करते हैं ये किस तरह से किया जाता है सो द ऑक्सीडेज टेस्ट इज एक्चुअली दिस एक्चुअलीज मींस डेटाम फैमिली है एक्चुअल में जो ऑक्सीडेज है इट इज एन एंजाइम फैमिली एंजाइम फैमिली का नाम है ऑक्सीडेज राइट right? और ये जो फैमिली है, ये मोस्टली वर्क करती है इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको बायो एनर्जेटिक्स की थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको पता है कि वहां पर एक पर्टिकुलर रिएक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हैं ई टी सी या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ट्रांसपोर्ट चेन तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो आपके ऑक्सीडेज इंजाइम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन असल में जो ईटीसी है इसकी मदद से आप यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी uh, सेल के अंदर या या फिर अपने उस पर्टिकुलर माइडोकॉन्ट्री के अंदर ए जनरेट करते हैं यानी दिस इज द ए टी जनरेटर रिएक्शंस और उस चीज़ उस रिएक्शन को कौन कैरी आउट करता है दिस ऑक्सीडेज फैमिली के जो एंजाइम होते हैं वो कैरी आउट करते हैं सो आप लोग को इसकी अहमियत का अंदाजा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट इंजाम होगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा सो ऑक्सीडेज टेस्ट का इससे क्या लिंक है असल में इसी ऑक्सीडेज फैमिली के अंदर एक इंजाम होता है जिसको आप लोग कहते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज साइटो क्रोम सी ऑक्सी डेज दिस इज सी वाई ओके अच्छा तो ये जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एन्जाम है असल में जब डिफरेंट किस्म के पैथोजेनिक बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में स्टडी किया गया ठीक है बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट्स में तो उन्होंने ये देखा कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को डिस्कस कर सकते हैं या फिर उसको डायग्नोज कर सकते हैं बाई यूजिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर तो उन्होंने उस ऑक्सीडेज फैमिली में से एक एन्ज़ैम को पिक कर लिया जिसका नाम था साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज फिर हम लोगों ने क्या किया फिर हम लोगों ने इसी इंजाम को यूज़ करके इसी इंजाम के साथ कुछ इस तरह के रिएक्टेंट्स को ट्रीट करवाया जो कि ऑक्सीडाइज एबल हैं क्या जो कि ऑक्सीडाइज एबल यानी जिसकी ऑक्सीडेशन की जा सकती है ऑक्सीडाइज एबल या आप लोग रिएक्टेंट्स कह सकते हैं वैसे मोर टिपिकली हम लोग ऑक्सीडाइजेबल रिएजेंट कहते हैं अच्छा तो ये जो ऑक्सीडाइजेबल रिएजेंट था व्हेन इट बिकम्स ऑक्सीडाइज तो वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट uh, में या फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता था जो कि क्रोमोजेनिक था या फिर जो कि uh, आपको किसी किस्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई भी ऐसा फिनोमिना uh, कर सकता था जिसको आप लोग जो मोस्टली हम लोग एज अ कलर चेंज के तौर पर यूज़ होता है ठीक है सो ये एक कलर प्रोडक्ट में कलर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट और जब वो कलर प्रोडक्ट उस सैंपल में या फिर उस मीडिया में जिसमें हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं जब वो अपेयर होगा तो वो कलर चेंज करेगा तो वहाँ से हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि भाई ये जो इंजैम है ये प्रेजेंट है बिकॉज हमने जो रिएजेंट डाला था जो ऑक्सीडाइजेबल रिएजेंट डाला था उसको उस साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज इंजैम ने ऑक्सीडाइज इंजैम ने सॉरी उसको ऑक्सीडाइज uh, करके कलर में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है सो so, इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है सो so, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हो रहा क्या है। देखें हमने बात की कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है जो कि एक खास किस्म का आ... प्रोसेस परफॉर्म करता है हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है और लिविंग सिस्टम में जो अनर्जी करेंसी वो क्या है वो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राई राइट तो उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक खास किस्म का प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं ई यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कुछ खास किस्म के एंजाइम है जो कि बहुत ही एफिशियटली वर्क करते हैं और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को मुकम्मल होने में और उसको कैरी आउट होने में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं और और उन इंजाम के बगैर वो रिएक्शन नहीं हो सकता उस इंज़ाम की फैमिली को हम लोगों ने क्या नाम दिया ऑक्सीडेज उसी ऑक्सीडेज एंजाइम में एक मेंबर है वह है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज फिर मैंने बात की कि जब रिसर्च की गई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में तो उन्होंने क्या किया कि डायग्नोसिस के लिए एक पर्टिकुलर इंजाम को चूज़ कर लिया जिसके साथ एक पर्टिकुलर रिएजेंट जो कि ऑक्सीडाइजेबल है वो रिएक्ट कर सकता है और जब वो रिएक्ट करेगा तो वो किस में कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और जब वो रिएक्ट करके कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसका जो कलर की अपेयरेंस होगी वो एक डिनोशन होगी एक इंडिकेशन होगी कि भाई आपका जो ऑक्सीडाइजेबल रिएजेंट था वो रिएक्ट कर गया मतलब कब करेगा जब ये ऑक्साइटोक्रोमसी ऑक्सीडाइज इंजाम होगा और वहाँ से फिर आपको पता लग जाएगा कि आपका वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसके पास ये इन्ज़ाम है वो प्रेजेंट है अच्छा शुड भी रेमेंबर ये जो टेस्ट में परफॉर्म आगे हम लोग प्रोसीड करने जा रहे हैं ये ऑक्सीडेज इन्जाम यानी ऑक्सीडेज टेस्ट का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि ओनली साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज याद रखिएगा आपने जब आपने ये टेस्ट परफॉर्म करना है तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने उस बैक्टीरिया के अंदर ऑक्सीडेज फैमिली का कोई इंज़ाम उसको फाइंड आउट कर नहीं आपने सिर्फ और सिर्फ एक इ फाइंड आउट करना है वो है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज अगर वो उसमें प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है वो ऑक्सीडेज नेगेटिव उसका रिजल्ट आया है तो उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि इसके अंदर किसी भी किस्म का ऑक्सीडेज इंजाम नहीं है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इंजाम नहीं है उसके अंदर उसी फैमिली के दूसरे इंजाम हो सकते हैं क्योंकि अगर वो अलाइव है तो उसका क्या मतलब है उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी जब यह ऑक्सीडेज इंजाम काम करेगा तो इट मीन्स डैट कि उसके अंदर कोई ना कोई ऑक्सीडेज इंजाम होंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन सा इंजाम नहीं होगा

फिनाइल फिनाइलिन सॉरी फिनाइलिन डाइअमाइन दैट इट्स अच्छा मोस्टली तौर तो पे इसके साथ साथ क्या पता डाइक्लोराइड भी हो सकता है बिकॉज जो, जो डाइक्लोराइड है ये आ, इस रीजन के साथ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता डाइक्लोराइड राइट अच्छा सो so, ये वो रिएजेंट है जो कि ऑक्सीडाइजेबल रिएजेंट है और ये इस रिएक्शन में परफॉर्म एज अ रियजेंट के तौर पर काम करता है वो क्या है टेट्रामिथाइल पी फिनाइलिन डायमाइन द स्ट्रक्चर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन और ये उसका डिटेल स्ट्रक्चर है सो so, हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑक्सीडेज टेस्ट तो उस कंटेनर में जिसमें हमारे पास वो माइक्रोब होता है जो सस्पेक्टेड होता है कि भाई ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव या फिर ऑक्सीडेज नेगेटिव है यानी उसको चेक करना होता है बाय दिस ऑक्सीडेज मैकेनिज्म तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर हम लोग ये रिएजेंट यानी टेट्रा मिथाइल पी फिनाइलिन डाय ठीक है इसको मैं शॉर्ट uh, में एम पी पी सी भी कहता हूं एम पी पी सी एम फॉर मिथाइल पी फॉर फिनोल ठीक है पी फॉर फिनाइलिन एंड सी फॉर डाइग्लोराइट अगर प्रेजेंट हुआ तो ठीक है अच्छा सो so, uh, ये वो एम पी पी सी है हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस कंटेनर में जिसमें आपका वो सस्पेक्टेड माइक्रोब होता है तो आपको पता है कि अगर उसके पास वो एंजाइम uh, होगा कौन सा? uh, साइटोक्रोम सी ऑक्सी डेज आई होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा थोड़ा सा ऊपर खाबड़ हो गया ये लेकिन दिस इज ऑक्सी ऑक्सीडेज इंजाम इससे पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ। दिस इज ऑक्सीडेज इंजैम अगर प्रेजेंट हुआ तो शुड भी रिमेंबर मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर ये इसका रिजल्ट नेगेटिव आयानी अगर कलर चेंज नहीं आया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस बैक्टीरिया में किसी किस्म का ऑक्सीडेज इंजाम प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दिस साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज मे बी एबसेंट एंड मे बी प्रेजेंट ठीक है दूसरे इसी फैमिली के दूसरे इंजाम हो सकते हैं तो क्या होगा कि वैन यू ट्रीट विद दिस टेटामिथाइल पी फिनाइल डाई अमाइन विद दैट पर्टिकुलर कंटेनर इन विच अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया ग्रोइंग अगर उसके पास ये साइडोग्राम सी ऑक्सीडेज होगा तो ये इस एम पी पी सी को कन्वर्ट कर देगा इंटू अ प्रोडक्ट जिसको आप लोग कहेंगे इंडोफिनोल जिसको आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर सो दिस इज योर इंडोफिनॉल और ये जो इंडोफिनोल है ये है क्रोमोजेनिक और ये पर्पल या फिर डार्क ब्लू कलर का होता है इसका जो कलर है वो क्या है वह है, डार्क ब्लू बिकॉज मोस्टली जो जो बैक्टीरिया जिसके लिए आप लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो थोड़े से ज़्यादा एल्कलैनिक होते हैं इन उसकी तो जो बेसिसिटी उस मीडिया को थोड़ी सी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये डार्क टू हो जाता है लेकिन जनरली इसको कहते हैं कि ये जो इंडोलफिन है ये पर्पल कलर का होता है सो so, सो so क्या होगा वेन यू एट दिस स्टेट्रामपी फिन डायमाइन सो वेन इफ द सी ऑक्सीडेज इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सैंपल सो वो क्या करेगा वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा अच्छा क्या हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है बिकॉज दिस रिएजेंट इज ऑक्सीडाइजेबल यानी इसकी ऑक्सीडेशन की जा सकती है सो वेन यू ऑक्सीडाइज दिसाइल ठीक है तो क्या होगा यह कन्वर्ट हो जाएगा किस इंडो में इंडोफिनोल में डार्क ब्लू और पर्पल एंड कलर मतलब के वो आपके उस पर्टिकुलर कंटेनर का कलर चेंज कर देगा एट द मोमेंट यू गेट द कलर चेंज आपको पता लग जाएगा यार कल चेंज हुआ है मतलब कि साइटोक्रोमसी ऑक्सीडेज पॉजिटिव है और वो पर्टिकुलर सैपल जिसका कलर चेंज होगा उसको आप लोग ऑक्सीडेज पॉजिटिव यानी लाइक अगर मैं लिखूं तो इट इट शुड बी राइट लाइक ऑक्सी डेज पॉजिटिव राइट और अगर वो कलर चेंज नहीं होता है, तो आप सिंपली उसको कहेंगे कि भाई नेगेटिव मतलब ऑक्सीडेज प्रेजेंट नहीं है ऑक्सीडेज कौन सा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज अच्छा तो ये तो हो गया ओवरऑल वर्किंग प्रिंसिपल की किस तरह से काम होता है तो ये बात करते हैं कि किस किस तरह से आप लोग इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं मतलब क्या क्या प्रोसीजर है जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं क्या क्या मैथड्स इस पर बात करेंगे कि किन किन तरीकों से आप ये ऑक्सीडेज टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं तो देखें इस ऑक्सीडेज टेस्ट को परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन जो मोस्ट कंसिस्टेंटली यूज होते हैं उनमें से दो मैं यहाँ पर डिस्कस करने लगा लगाऊँ अच्छा ये दो मैथड को समझने से पहले हम लोग एक रीजन समझते हैं जिनको हम लोग इन दोनों मैथड में यूज़ करते हैं वो एक कोवैक्स रिएजेंट ठीक है असल में ये इस तरह का रिएजेंट होता है जिसमें आप वन परसेंट टेट्रामिथाइल पीफिनाइलिन डाइअमाइन को यूज़ करते हैं इन वन परसेंट वाटर यानी आपके पास जो मेन रिएजेंट है वो क्या है वो है वन परसेंट टेट्रामिथाइल पीफिनाइलिन डाइअमाइन जो कि एक्चुअल में हमारा जो ऑक्सीडाइजेबल रिएजेंट है जिसको आप लोग ऑक्सीडाइज करते हैं बाय द ऑक्सीडाइज इंजाइम ठीक है तो वो वन परसेंट आपका सोल्यूशन होता है उसको आप एज ए वन परसेंट सोल्यूशन के तौर पर लेते हैं इन वाटर तो वो जो आपके पास जो सैम्पल तैयार होता है उसको आप कहते हैं कोवैक्स रिएजेंट ठीक है तो अगर बात स्टार्ट करें फ्राम फिल्टर पेपर मेथड तो देखें uh, इसका बहुत सिंपल प्रोसीजर है आपने करना है कुछ यूँ कि आपने एक सिंपल पीस लेना है फिल्टर पेपर का ठीक है uh, और उसको आपने इस कोवेक्स रिएजेंट में डिप करना है यानी उसमें उसको पूरा का पूरा सॉक कर देना या फिर uh, uh, गीला कर देना उसे ठीक है उसके बाद आपने उसको सिंपल टेबल पर रखना है और उस पर्टिकुलर सैंपल से जिसमें आपको सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कल्प्रेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खदशा है कि इसमें हो सकता है वहाँ से आपने सैंपल पकड़ना है और इस पेपर के ऊपर आपने रब कर देना है या फिर उसके ऊपर अप्लाई कर देना है सो so आप लोग के क्या नोटिस करेंगे कि अगर उस सैंपल के अंदर ऑक्सीडेज या फिर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इन्जायम प्रेजेंट होगा तो वो कलर चेंज कर देगा यानी वो सैंपल कलरलेस uh, या फिर लाइट uh, येलो से वो पर्पल या फिर डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा और अगर वहाँ पर ऑक्सीडेज नहीं प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर आप लोग कलर चेंज एक्सपीरियंस नहीं करेंगे सो so, जो दूसरा मेथड है वो है डायरेक्ट प्लेट मेथड उस मेथड में ये होता है कि आप लोग ने कुछ नहीं करना बस यू हैव द फ्रेश ग्रोन कल्चर इन न्यूट्रंट एगर और अदर न्यूट्रंट बॉथ उसके बाद आपने ये करना है कि उसकी जो डिस्टिंक्ट कॉलोनीज होंगी उसको आपने ऑक्सीडेज रीजन से ओपनली ट्रीट करवाना है ठीक है यानी ऑक्सीडेज रीजन को आपने उसकी कॉलोनी के ऊपर रखना है इनसाइड द पेट्री प्लेट और अगर वहाँ पर यानी अगर उस बैक्टीरिया के अंदर ऑक्सीडाइज इंजाम हुआ तो वो उस रिएजेंट को ऑक्सीडाइज करके उसको एक कलरफुल प्रोडक्ट जो आप इंडोफी फिनॉल कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर देगा और आप उस कलर चेंज को ऑब्जर्व करके ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आया तो वो कॉलोनीज ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं या फिर ऑक्सीडेज नेगेटिव सो आपने इस मेथड में जो अपना आपका uh, जो कोविक्स uh, रिएजेंट था उसको आपने डायरेक्ट प्लेट के ऊपर यानी अपने डायरेक्ट पेट्री प्लेट के ऊपर डायरेक्ट उसके ऊपर जो कॉलोनीज फॉर्मड हुई थी ऑन द मीडिया आपने उसके ऊपर डायरेक्ट लगाया सो इस मेथड को दैट्स वाई हम लोग डायरेक्ट प्लेट मेथड कहते हैं वाई बिकॉज आप इसमें जो कोविक्स रिएजेंट है उसको डायरेक्टली ऑन द पेट्री प्लेट के ऊपर जो कॉलोनीज वहां अप्लाई करते हैं और उस कलर चेंज को ऑब्जर्व करते हैं सो दैट्स इट विद दिस ऑक्सीडेज टेस्ट आई होप सो कि आपको यह वीडियो का कांसेप्ट समझ आया होगा इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स और यन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे गुड बाय